खाने के लिए। सुबह 7:30 का टाइम है तो दिल कर रहा है कि नाश्ता कर लूँ यहाँ पे कंटीन पर। अब इसके आगे मैंने रावलपिंडी जाना है आवाम एक्सप्रेस पर। GEU40 की ज़ोरदार विसल और गाड़ी के व्हील घूमना शुरू। 13 अप आवाम एक्सप्रेस। रेलगाड़ी की रफ्तार की तरह बारिश ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। तूफानी बारिश ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर पर भी वार कर रही है। शदरा जंक्शन के बाद अवामी एक्सप्रेस दरियाए रावी की ब्रिज पर। रावी के ब्रिज पर ट्रेन गुजर रही है। बरसात के मौसम ने रावी का पानी और ज्यादा कर दिया है। मजीद बताते चलें, कराची से लाहौर तक ML1 पर डबल ट्रैक है, यानी अप और डाउन ट्रैक मौजूद है। लाहौर से पिशावर तक सिंगल ट्रैक है। अगर एक से दूसरी तरफ ट्रेन आ जाए तो एक ट्रेन को किसी स्टेशन पर रोकना पड़ता है, क्रॉसिंग करवानी पड़ती है। गुजरा वाला पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो पाकिस्तान रेलवे ड्राइवर हैं उनकी जो पुरानी हरकत वो वैसे ही बरकरार है। वो किसी भी जगह यूं ही ट्रेन को रोक रहते हैं। ये गुजरा वाला से पहले पता नहीं अब ये किस अनजाने से मकाम पर पता नहीं किस वजह से खड़ी है, और जो मुसाफिर वो परेशान हैं। जहाँ स्टॉप नहीं होता वहाँ भी जो है वो ये ड्राइवर लोग GEU40 की जोरदार विसल और गाड़ी के व्हील घूमना शुरू। 13 अप आवाम एक्सप्रेस। अगे स्टेशन ते लै जी भाई काम बिना ते साहब मार जा छाल फिर जी ओदे नहीं आना मार जा अल्लाह खैर करेगा। तो मार जा कुछ नहीं हुंदा। हां भाई दोस्त क्या हाल है, किधर जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। किस सिलसिले में? बस तो ट्रेन में आप फर्स्ट टाइम? हाँ पहला टाइम। कैसा लग रहा है आपको? बेहतर है यार, अच्छा है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। आज माशाल्लाह मौसम भी बहुत VIP है और ये जो ट्रेन की जर्नी है ये बहुत VIP है, कमाल है माशाल्लाह। ट्रेन के दरवाजे में खड़े होकर बाहर का मंजर देखना हर रेल फैन की ख्वाहिश होती है, और जब मौसम सुहाना हो तो बहुत अच्छा लगता है। गुजरांवाला रेलवे स्टेशन के नान पकौड़े वैसे इतने मज़ेदार नहीं हैं, बहरहाल नाश्ता कर लिया। चनाब ब्रिज पर ट्रेन गुजरने का साउंड जो मुझे बहुत पसंद है। बाकी ट्रैफिक गुजरने के लिए सामने एक और ब्रिज भी मौजूद है। थर्टीन अप आवाम एक्सप्रेस मुरीद की कामों की वजीराबाद गुजरांवाला गुजरात लाला मूसा रेलवे जंक्शन पर
अरेवल कर रही है। लाला मूसा जंक्शन से एक ब्रांच लाइन मलकवाल मंडी बहाउद्दीन की तरफ जाती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस टाइम हम लाला मूसा पहुंच चुके हैं और बारिश की बूंदाबांदी बिल्कुल शुरू है और मौसम बहुत इंजॉय करने वाला है और ट्रेन जो है अपनी स्पीड में नॉर्मल स्पीड में जा रही है, हवा में एक्सप्रेस ये लाला मूसा जंक्शन पे आगे रुक गई। खारिया रेलवे स्टेशन पर मौसलाधार बारिश, बिल्कुल फिल्मी मंजर। थर्टीन अप अवाम एक्सप्रेस जेलम का ब्रिज क्रॉस कर रही है। सामने जीटी रोड ब्रिज का जबरदस्त मंजर नजर आ रहा है। ML1 और GT रोड का साथ लाहौर से पिशावर तक है। ये एक कदीम रोड है और इसका शुमार पुरानी राहदारियों में किया जाता है। रावी और चनाब के मुकाबले में जेहलम का पानी बहुत ज़्यादा है, दिल कर रहा है दरवाजे से ही जंप लगा दूँ। 13 अप अवाम एक्सप्रेस अरेवल जेहलम रेलवे स्टेशन। फाइनली इस टाइम हम जेहलम पहुंच चुके हैं, उसके बाद रावलपिंडी अब थोड़ा नज़दीक ही है। रास्ते में बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा भीग गया और इतना सुहाना मौसम था कि मोस्टली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये हो सकता है कि अब तक लाइफ में जितने भी सफ़र किए हैं ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत इसमें अच्छा इंजॉयफुल महसूस किया मैंने। और इसके अलावा मेरे साथ मेरी फ्रेंड है। तूफानी बारिश ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर पर भी वार कर रही है।
पहाड़ों से गुजरती ट्रेन, हरियाली की चादर, बरसात का मौसम, सच बताएं बहुत इंजॉयफुल जर्नी है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा तूफानी बारिश ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर पर भी वार कर रही है। फुल बार बरम के साथ 13 अप अवाम एक्सप्रेस रवाना थी अपनी मंजिल की तरफ। कराची से पिशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस 16 इकोनॉमी और एसी कोचेस पर मुश्तमल है। पिशावर से कराची 1721 किलोमीटर 33 घंटों में करने वाली अवाम एक्सप्रेस, जिसका इफ्तिताह 1925 में हुआ। अवाम एक्सप्रेस पाकिस्तान की कामयाब तरीन ट्रेन है। अवाम एक्सप्रेस 56 रेलवे स्टेशनों से होकर पिशावर की तरफ जाती है, जिसको लीड कर रहे हैं अब GEU-40, जिसका नंबर है 9038। अवामी एक्सप्रेस की रफ्तार लिमिट है 140 किलोमीटर फी घंटा। रावलपिंडी के करीब रावत रेलवे स्टेशन पर क्रॉसिंग हुई रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ। सुहावा रेलवे स्टेशन पर क्रॉसिंग हुई सबखरम एक्सप्रेस के साथ। आज का सफ़र मुकम्मल हुआ, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और सामने कुहाट एक्सप्रेस तैयार है डिपार्ट करने के लिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल डॉन वायरल सब्सक्राइब कीजिएगा। साजिद फटड़ को दो इजाज़त।